गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। देख सकते हैं आप, आज मेरी दोस्त मेरे से मिलने आई है बड़े दिनों बाद। हाय माय फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसी हो तुम? बहुत सुंदर है सोनी, इसका नाम है सोनी। हाय सोनी, सोनी सोनी, मेरी बात सुन ली है सोनी? सो गाइस, आज हम जा रहे हैं स्टारबक्स का शूट है आज। उन्होंने हमें बुलाया वहाँ के मैनेजर ने, तो जाके स्टारबक्स का शूट करते हैं आज। चलो सिस्टम। तो हाँ जी गाइस, हम निकल चुके हैं अब शूट के लिए। अभी जाके हमें एक कैफे है उसका शूट करना है, और क्या कहते हैं फिर जाना है स्टारबक्स। तो चलते हैं, चलो और दिखाते हैं आपको आज का सिस्टम, और सिस्टम के साथ चलते रहो, सिस्टम को फॉलो करते रहो। सिस्टम मतलब एल्विश भाई का सिस्टम। Nice, चलो भाई। So guys, हम आ चुके हैं स्टारबक्स, हमें इनका शूट करना है। हमारे भाई वो खड़े, वो रे झांक रहे हमें सामने से। मेरठ में स्टारबक्स, आपको सबको पता लग ही गया होगा, वैसे बताने की कोई बात नहीं है, बट स्टिल बताना चाहिए और हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हम ब्लॉगर हैं। YouTube पे सब चीज़ बतानी पड़ती है, बिना बताए कुछ नहीं चलता। चलो भैया। तो गाइस, कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए टेबल लग चुकी है पूरी, देख सकते हैं आप। और भैया हमें सामने कॉफ़ी टेस्टिंग करवाएंगे अभी, और पूरा आपको स्टारबक्स के बारे में और इस मेथड के बारे में बताएंगे क्या ये। चलो ठीक है। तो कॉफ़ी ब्रूइंग के हमारे पास फोर फंडामेंटल्स होते हैं। सबसे पहले होता है फ्रेशनेस। जैसे कि मैंने केन्या कॉफ़ी ली है, तो मैं इस आज में सबसे पहले इसकी फ्रेशनेस मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉफ़ी हमारी अंडर एक्सपायरी है और या नहीं है, और जो फ्लेवर लॉक है वो ठीक से लगा हुआ है या नहीं। इसे बहुत ही स्पेशल लॉक होता है। इसमें एक्चुअली जो अंदर से गैसेस मतलब होती हैं, ये सिर्फ उनको बाहर निकालता है, और जो बाहर से ऑक्सीजन वगैरह होता है उनको ही अंदर आने से रोकता है। ठीक है, ये हमारे 4 मिनट्स हो गए हैं। तो हमारी जो कॉफ़ी है हमने ब्रू करने के लिए रखी थी, अभी ब्रू हो गई है। तो अभी जो हम इसे पुश करते हैं ना, इसे प्लंजर बोलते हैं, और इसे हमें पुश करना होता है जिससे हमें मतलब क्लीन कप मिल जाता है, क्लीन कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो जैसे कि आप ये मूवी पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो ये ना कालदी हैं जो कि इथोपिया के रहने वाले थे। तो ये ना वहाँ पे बकरी चलाते थे। तो एक दिन इन्होंने देखा कि बकरी चलाने गए, और वहाँ पे ना उन्होंने देखा कि इनकी जो बकरियाँ थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी, मतलब इधर से उधर उछल रही थी। तो इन्होंने देखा कि उन्होंने क्या खाया, तो वो चेक करा कि उन्होंने ना एक कोई चेरी होती है वो उन्होंने खाई बकरियों ने, और उसके बाद वो बहुत एनर्जेटिक फील हुए। तो इन्होंने भी वो चेरीज तोड़ी और इन्होंने खाई, और उसके बाद इन्हें भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हुआ। तो जिसके बाद इन्हें फिर वहीं से एक ना मॉन्क जा रहे थे, तो मॉन्क ने इनसे पूछा कि भाई ऐसे मतलब तुम्हारी बकरी इतनी एनर्जेटिक क्यों है। तो उन्होंने फिर इन्होंने काल दिन उन्हें बताया मॉन्क को कि इन्होंने ये ऐसे चेरी खाई और उसके बाद ये एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो उसके बाद वो मॉन्क ने वहाँ से वो चेरीज ली, प्लग करी और अपने चले गए आश्रम में जहाँ पे वो रहते हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसको हॉट वाटर और चेरीज को मिक्स करा, और उसका जो मतलब जो सॉल्यूशन मतलब जो निकल के आया जो रिजल्ट, उन्होंने उस मॉन्क्स को उन्होंने पीरा, और उसके बाद ना उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो लोग ना 12-12 मतलब बहुत लंबे टाइम तक अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं विद द एनर्जी। उन्हें मतलब एक स्लीपीनेस नहीं फील होता था उस जब से, मतलब वो जो पहला कप था उस दिन हमें लगा कि जो फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी हमारी इन्वेंट हुई है मतलब वर्ल्ड के अंदर। सेकेंड स्टेप होता है सिलेक्टिंग, तो उसके लिए हम ना 3 बार लाउडली करते हैं सिप इसको। ठीक है, इससे क्या होगा हमारी टंग पे स्प्रेड हो जाएगी और हमारी जीभ बंद नहीं होगी। ठीक है, तो हमें एक्चुअल टेस्ट आ पाएगा इस कॉफी का। तीसरे स्टेप होता है इसका लोकेट। तो लोकेट के लिए हम मतलब देखते हैं इसकी सिप लेके कि ये कहाँ पे फील हो रहा है हमारी मतलब जीभ पे। ठीक है, तो जैसे मेरा ना ये मिडिल ऑफ द टंग हो रहा है। ठीक है, तो अभी हो सकता है आप मतलब आप सबके लिए अलग अलग टेस्ट आ रहा होगा इसका। जैसे कि मेरा जो होता है ये मतलब फ्रंट टू बैक जा रहा है ना, ये किसी के साइड में टेस्ट होता है, ऐसा होता है, सबका अपना अलग अलग पैलेट होता है। तो हो सकता है अलग अलग ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ एक स्टेप होता है हमारा फूड पेयरिंग का। ठीक है, तो इसके जो एक्चुअली फ्लेवर नोट्स हैं वो हैं जूसी हैं एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके साथ ना सिट्रसी जो भी फ्लेवर होगा फूड का वो आपकी पेयरिंग आएगा, मतलब इसके साथ बेस्ट पेयरिंग्स की आएगी। इसके साथ अगर कॉफी लोगे तो ये आएगा, ये मतलब बेस्ट इसका, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सोच लो या इसमें ही सोच। इसके साथ आप ना जो हमारे सिट्रसी मतलब फ्रूट्स होते हैं वो भी ले सकते हैं, लाइक ऑरेंज है ना, ऑरेंज या पाइनएप्पल या जो भी है, जो आपको अच्छा लगे इसके साथ आपको सूट करे। सिट्रस है जैसे, अच्छा लेमन,
है ना, जिसमें मतलब खट्टा ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये लेमन जो लेमन लोफ केक है तो उसके साथ ये मतलब बहुत अच्छा पेयर है। जैसे कि आज हमने कॉफी टेस्टिंग में केनिया कॉफी ली थी, तो केनिया से आप क्या समझते, केनिया जो है अफ्रीका रीजन से कॉफी आती है, और केनिया का नाम सुनते हैं ना सबके दिमाग में क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पे एलिफेंट बना हुआ है, एलिफेंट इसलिए बना हुआ है क्योंकि ना एलिफेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज करा जाता है, और केनिया एक माउंटेन एरिया है ठीक है जहाँ पर है, तो वहाँ पे एलिफेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसकी जो बॉडी है वो फुल है, और ये जो रोस्ट है ये मीडियम रोस्ट है, मीडियम रोस्ट होने के बावजूद भी बस ये एक ऐसी कॉफी है जो कि बॉडी फुल रखती है। और केनिया की सबसे अच्छी स्पेशलिटी है कि ये हॉट और कोल्ड में दोनों में सेम टेस्ट देती है, जैसे कि अगर मैं अपने आप से इसको जोड़ूं तो गुस्से में हूँ या नॉर्मल भी हूँ तो मैं अपना जो नेचर होगा वो सेम रखूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में हाइपर हो गया और जब गुस्सा नहीं है तो मैं एकदम कूल टेम्पर्ड से रहूँ, तो सेम ऐसी केनिया, केनिया को आप कोल्ड ब्रू में भी पी सकते हैं और हॉट में भी पी सकते हैं, दोनों में इसका टेस्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। थैंक यू। अब मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली है मजबूत, अब पीऊँगा इसे, और एक अलग से भी बनवाई है बेहतरीन। चलो सिस्टम है भाई। गाइस हमने सिजल स्टैंड पे अपनी स्कूटी लगा दी थी, हम भैया के साथ गए हुए थे, अब हम जा रहे हैं अपने घर। चलो शूट पे से आ चुके हैं हम। पुलिस को दूंगा। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अभी तान्या के घर, उसकी जो डॉग है कोको उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट आ रही है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको डॉक्टर के लेके जाना है, और चलते हैं अपना डॉक्टर के लेके, उसको भगवान उसको जल्दी सही कर दे, ज़्यादा दिक्कत होगी, पता नहीं क्या हो गया उसे, पेट में इन्फेक्शन बता रहे हैं डॉक्टर उसके, तो जा रहे हैं हम गंगानगर जाएंगे उसको लेके। और हमारे चिराग भाई गए हुए हैं केदारनाथ, मैं अभी वीडियो डालूंगा इसके बाद आप देख लेना, तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी, उनको शाम की आरती मिल गई। और सबसे तगड़ी बात, चिराग भाई मात्र 4.5 घंटे में 24-25 किलोमीटर की जितने की भी वो केदारनाथ की चढ़ाई है पूरी करके ऊपर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अभी जस्ट उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी थी, तो मैंने बोला कि मंदिर की वीडियो बना के मेरे को सेंड कर दो, मैं डाल दूंगा। तो आप सोचो, मैं जब गया था, मैं और मेरा दोस्त है अविरल भाई है अपना, और एक लड़का और था हमारे साथ अनुज, तो हम तीनों गए थे एक साथ, तो हम चले थे दोपहर के 1 बजे और अगले दिन सुबह पहुंचे थे हम 7 बजे तीनों, बल्कि वो मुझसे आधा घंटे पहले पहुंच गए थे, मतलब लगभग एक ही टाइम था। चिराग भाई 4.5 घंटे में पहुंच गए भाई, बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ है चिराग भाई को, ये है बिल्कुल सल्यूट। तो चलो बढ़िया, अच्छी बात है, भगवान कृपा रखे सब पे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो भाई चलते हैं अब कोको को लेकर हॉस्पिटल। लड़ाई होगी गाइस, बहुत मजबूत देख सकते हैं आप, सिस्टम बहुत तगड़ा बजा हो रहा है यहाँ पर, गलत बात, बहुत गलत, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए गाइस, बहुत गलत। गाइस हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल गंगानगर में, और ये चल रहा है कोको का इलाज, इसको ड्रिप चढ़ रही है, पूरी कोको लेटी है वहाँ पे, डॉक्टर ने बोला इसको ड्रिप चढ़ेगी, तो देखते हैं क्या बैठता है मामला, बाकी सही है वैसे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। कोको सही हो रही है हमारी, अभी तक आते हुए थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अब ठीक हो गई। हेलो गाइस, आज दरअसल कोको की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम शूट पर नहीं जा पाए, हमारा पोस्टपोन हो गया, वो दोनों शूट जो थे आज हमारे, आज हमारा था एक मोबाइल की दुकान है शोरूम है मतलब रिंगर्स, उनका शूट था, और एक था एक रेस्टोरेंट था उसका भी शूट था, खुजा लग रही है यार, उनका दोनों का शूट था तो वो पोस्टपोन हो गया, वो है अब कल, तो आज हमें ऐसे ही घर जाना पड़ेगा बिना शूट करे, आज तो कोई शूट ही नहीं करा हमने, बाकी देखते हैं जो भी होता है, अब तो घर जा रहे हैं, सिजल कुछ खाना खाने गए थे, भूख लग रही थी बहुत तेज़, और अब तो घर जा रहे हैं, अब तो कहीं जाएंगे नहीं वैसे भी, तो चलो। तो अविरल भी चला गया है नोएडा, उसे छोड़ आए थे, उसका आज पेपर था, और उसके 9th से कॉलेज स्टार्ट हो गए दोबारा से, लास्ट ईयर है उसका, बढ़िया अपना। चलो भैया घर चलते हैं अपना, और छोटा ही ब्लॉग है आज का, तो कोई खास कुछ है नहीं, बट कर लेना भाई अपने आप एडजस्ट,
गाइस।